रायपुर में शुक्रवार को सड़क हादसे में कारोबारी युवक की मौत हुई है। यह घटना निमोरा इलाके में हुई। रायपुर से भुनपुन जाने वाली रास्ते पर बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुआ है। दुर्घटना इतना खतरनाक था कि कार कई बार पलटते हुए किनारे पर जाकर लटक गई। इस हादसे में असंतुलित होकर बस भी पलटी हुई है। बस में सवार 5 और कार में बैठा एक युवक, कुल मिलाकर के 6 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर राखी थाने की पुलिस टीम पहुंची थी, अब जांच कर रही है। फिलहाल सामने आए तथ्यों के मुताबिक कार चालक सृजन अग्रवाल, उम्र 33 साल, बेहद तेज गति से ड्राइव कर रहा था और बस को ओवरटेक करने के चक्कर में घटना घट गई। गाड़ी बस से जा भिड़ी और कार पलट गई। कार पलटते हुए दूर जाकर रुकी। कार किसी कागज के टुकड़े की तरह मुड़कर गोल हो गई है। इधर बस का संतुलन बिगड़ा और बस की पलट गई। इस हादसे में घायल लोगों को अभनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक सृजन अग्रवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। कारोबारी युवक सृजन अग्रवाल रायपुर के अवंती बिहार का रहने वाला था। अक्सर कुछ सामान छोड़ने के लिए वो माना और अभनपुर आता जाता रहता था। घटना के बाद बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई कार के अंदर सृजन और उसका साथी फंस चुके थे। रास्ते पर मौजूद राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला। कुछ देर बाद पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सृजन आइसक्रीम लेकर अभनपुर की तरफ से जा रहा था। कार की पिछली सीट पर पुलिस को आइसक्रीम भी मिली है। निमोरा के प्रशासनिक अकादमी के ठीक सामने की सड़क पर कार और बस की टक्कर हुई है। बस के सड़क पर गिर जाने की वजह से बस का फ्यूल टैंक फट गया। सड़क पर डीजल बहने लगी। इस डीजल को चुराने वाले लोग भी पहुंच गए। एक तरफ हादसे में घायल और मृतक सड़क के किनारे पड़े थे और दूसरी तरफ कुछ लोगों को डीजल चुराने की हड़बड़ी थी। कुछ देर बाद पुलिस ने इन्हें भी खदेड़ा। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।